हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। नहीं सर क्लास नहीं ले रहे हैं क्या? ऐसे अभी आए नहीं है, ओके 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 नहीं लेंगे क्लास अभी, आप 2-3 मिनट बाद आ जाएंगे। अच्छा ठीक है।
प्रणाम सर। इक्वेशन को पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी? प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। अहंदार अहंदार जी सर, इक्वेशन नंबर वन बोलो तो अपना देख के बोलो। सब आदमी अपना कॉपी निकालिए। इक्वेशन नंबर वन क्या है? वाई बराबर सी प्लस आई डी प्लस जी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस एम। करेक्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद सर ये सब तो उसके बाद है सी ब्रैकेट में प्लस आई डी प्लस जी इक्वल टू ए बराबर कुल अवशोषण, इक्वेशन नंबर दो इसको बोला गया। करेक्ट। तीसरा फिर है सर ब्रैकेट में एक्स
माइनस एम मतलब उसके बाद इसको बी बोला गया है और ये भुगतान से इक्वेशन नंबर थ्री सूत्र एक अब सरल रूप में निम्नलिखित होगा वाई बराबर ए प्लस बी ये होगा इक्वेशन नंबर चार ई बराबर वाई माइनस इक्वेशन नंबर पांच बी बराबर वाई माइनस ए इसे क्या निष्कर्ष निकलता है इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय आय में से कुल अवशोषण को घटा देने से बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राप्त हो जाता है मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का परिभाषा क्या हो गया राष्ट्रीय आय में से कुल राष्ट्रीय आय में और कुल अवशोषण कुल अवशोषण ये अंतर को भुगतान से बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान शेष कहा जाएगा करेक्ट मूल्यन होने से अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्वेशन फाइनली हो गया वाई माइनस ए एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ Absorption approach of balance of payment. B बराबर हो गया y minus a. बी हो गया भुगतान शेष वाई हो गया राष्ट्रीय आय ए हो गया अवशोषण ये हो गया अवशोषण एब्जॉर्प्शन
भुगतान शेष राष्ट्रीय आय ये हो गया अवशोषण। नियम क्या हो गया कि भुगतान शेष को अनुकूल बनाने के लिए भुगतान शेष को अनुकूल बनाने के लिए आने के लिए दो कार्य किए जा सकते हैं, दो कार्य किए जा सकते हैं। नंबर वन, घरेलू आय में वृद्धि किया जाए। नंबर टू, में कमी किया जाए। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर महोदय का कहना है कि अवमूल्यन डिवैल्यूएशन के द्वारा डिवैल्यूएशन के द्वारा ऊपर के दोनों कार्य किए जा सकते हैं। ऊपर के दोनों कार्य किए जा सकते हैं। लिख लिए? जी सर। सब आदमी लिख लिए हैं? जी सर। जी सर। यस सर। जी सर। जी सर। ठीक है।
प्रथमता अवमूल्यन इवैल्यूएशन करने से निर्यात में वृद्धि होती है। निर्यात में वृद्धि होती है तथा आयात में कमी होती है। आयात में कमी होती है इसके स्वरूप इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में स्वरूप राष्ट्रीय आय में आय में वृद्धि वृद्धि हो जाती है। आय में वृद्धि और गुणक का प्रभाव पड़ेगा। इससे राष्ट्रीय आय में अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी। घरेलू उपभोग में वृद्धि होगी। घरेलू उपभोग में वृद्धि होगी से इसे राष्ट्रीय आय में
शुद्ध विधि होगी शेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि राष्ट्रीय आय था और शोषण में वृद्धि आय में वृद्धि और शोषण में वृद्धि होने से भुगतान शेष शेष में भी वृद्धि भुगतान शेष में भी वृद्धि हो जाएगी। यस सर जी सर जी सर अब हो जाएगा डेल्टा बी बराबर डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए अवशोषण में वृद्धि अवशोषण में वृद्धि
अवशोषण के सीमांत प्रवृत्ति अवशोषण के सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अवशोषण में वृद्धि अवशोषण के सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। पोषण के सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जब जब अर्थव्यवस्था में अवमूल्यन किया जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब MPA से डिनोट किया गया ऑल्सो डायरेक्टली MPA हो गया यही और शोषण के सीमांत प्रवृत्ति सीमांत अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब इसी को ए डिनोट कर अवशोषण में वृद्धि अवशोषण में वृद्धि से आय में वृद्धि अवशोषण की सीमांत प्रवृत्ति अवशोषण की सीमांत प्रवृत्ति अवशोषण अवशोषण में वृद्धि से आय में वृद्धि होगी अवशोषण में वृद्धि से आय में वृद्धि होगी इसे
इसे डेल्टा डी से दर्शाया inner propensity to absorb तो equation होगा delta A बराबर होगा marginal propensity to absorb into increase in national income plus delta D जो अवशोषण में वृद्धि से आय में वृद्धि हुई है उसको डेल्टा डी है। इस समीकरण को डेल्टा बी समीकरण में डालें डेल्टा डी बी क्या है डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है डेल्टा ए नया निकल गया तो ऊपर का डेल्टा वाई हटा के डेल्टा ए हटा के और उसका मान बैठा दीजिए अब जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेल्टा बी जो है बराबर दिया हुआ है क्या डेल्टा वाई क्या दिया हुआ है डेल्टा वाई प्लस डेल्टा डी डेल्टा वाई रहने दें प्लस उधर क्या है ए है डेल्टा ए है डेल्टा बी बराबर क्या है डेल्टा वाई प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए है ना सर मेरा आ गया है डेल्टा बी बराबर वन माइनस अल्फा इनटू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा डी डेल्टा बी बराबर डेल्टा वाई माइनस माइनस फिर सर ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा अल्फा डेल्टा वाई जी सर ब्रैकेट होगा पहले अल्फा प्लस डेल डेल डी माइनस डेल्टा डी माइनस डेल्टा हाँ ब्रैकेट हट गया तो सर ये भी हो सकता है तुम ब्रैकेट लगाने के फिर में काहे हो तुम सर पहले था इसीलिए एक स्टेप बढ़ा दिए हैं आप एक स्टेप कम कर दिए हैं तो डेल्टा ए का जो मान हम लोग का है वो मान को उठा के डालेंगे जी जी तो नया मान आया डेल्टा ए बराबर क्या आया है
अल्फा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा डी सीधे उसको उसका प्लस है, आई है माइनस, टोटल माइनस हो जाएगा। और डेल्टा बी जो है वो लिख सकते हैं वन माइनस हाँ वन माइनस अल्फा इंटू वाई वन माइनस अल्फा वन माइनस ए अल्फा नहीं ए डेल्टा वाई माइनस डेल्टा। इस समीकरण से समीकरण से तीन समीकरण से तीन तीन तरह के प्रभाव मूल्य इवैल्यूएशन पीओपी पर पड़ता है, इन तरह के प्रभाव और मूल्यन का भी उपयोग पड़ता है। नंबर वन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब, नंबर वन है अवशोषण की सीमांत प्रवृत्ति, अवशोषण की सीमांत प्रवृत्ति दूसरा आय में परिवर्तन में परिवर्तन और तीसरा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अवशोषण में परिवर्तन।
समीकरण के तीन तत्वों का प्रभाव, समीकरण के समीकरण के तीन तत्वों के प्रभाव, अवमूल्यन का तीन तत्वों का प्रभाव समीकरण के तीन तत्वों का तत्वों के प्रभाव अवमूल्यन का बीओपी पर पड़ता है। अवशोषण की सीमांत प्रवृत्ति आय में परिवर्तन डेल्टा वाई प्रत्यक्ष हो जाता है। अवशोषण की सीमांत प्रवृत्ति ए होता है। अब वन माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा? वन माइनस ए का मतलब हो गया प्रोपेंसिटी टू होल्ड और सेव। संचयन, संचयन का मतलब होता है होल्ड या बचत। सेविंग की सीमांत चयन होल्ड या बचत सेविंग की सीमांत प्रवृत्ति कही जाए। वन माइनस अल्फा को, वन माइनस ए को संचयन या बचत की सीमांत प्रवृत्ति कही जाए। जी सर, यस सर। तत्वों का प्रभाव कितना पड़ेगा यह
खास पर निर्भर करता है तत्वों का प्रभाव कितना पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है अवमूल्यन करने वाले देश साधनों का अपर्याप्त उपयोग होता है, साधनों का अपर्याप्त उपयोग हो रहा है। आइडल साधन पड़ा है, आइडल साधन पड़ा है, बेरोजगारी की स्थिति है, सभी को ध्यान में रखना होगा। व्यापक धारणा है जिसे प्रभावित करती है, स्वतंत्र की सीमा प्रवृत्ति प्रभाव व्यापार की सब प्रत्यक्ष
रियल एस बैलेंस money illusion I punarvitarana wow आने वाली सभी पर प्रभावित होते क्वेश्चन है ये महेंद्र हम लोग का पहला वाला जो इक्वेशन था वो कितना इक्वेशन था पहला वाला पांच तक था सर जी पांच के बाद जो हम लोग का है डेल्टा बी बराबर डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए कर देते हैं इसको पिछले क्लास का इक्वेशन कहाँ तक था पांच तक अतः आज वाला को अपने में बढ़ा लो चूंकि अलग स्लाइड है छठा कर दो डेल्टा बी वाला इक्वेशन को छठा करो जी डेल्टा बी बराबर डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए जी इसको सिक्स कर दिए छठा जो नंबर वन आज वाला है उसको छठा हो जाएगा उसको बढ़ा दो छठा हो जाएगा उसका सातवां हो जाएगा आठवां हो जाएगा नौवां हो जाएगा हो गया आठ हुआ आठवां तुम्हारा कौन आठ में लास्ट वाला डेल्टा बी बराबर वही वन माइनस ए डेल्टा हो रहा है नौ हो रहा है सर एमपीए बराबर ए सात नंबर और डेल बी बराबर वन माइनस ए इंटू डेल वाई माइनस एमपीए बराबर छोड़ दिया था हमने नौ हो जाएगा नौ नौ को आठ को जो आपका होता है उसको सीरियल में कर दीजिए
दो दिन लग गया है ना, इसलिए उसमें नंबरिंग छोड़ दिए, तो अब आप अपने में कर लीजिए। होमवर्क है इस इक्वेशन को दो तीन सेट प्रैक्टिस करके व्हाट्सएप पर भेजिए। कितना मिनट लगता है अगर आपको बताओ? ठीक है गुरु जी, प्रणाम। जी सर प्रणाम, सर प्रणाम।